हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको फिर से नए डिजाइन का बेबी बूटीज बनाना बताऊंगी, जिसे बनाने के लिए फ्रेंड हमने एक कलर की वूल ली है और इसे मैंने डबल फोल्ड किया है। और मैंने ये ऑरेंज कलर के लिए है, आप इसमें कोई भी कलर ले सकते हो जो फ्रेंड आपको पसंद हो। और 9 नंबर की सिलाई ली है, तो मैं ये 4 साल से बनाना बता रही हूँ। 4 साल से 5 साल के बच्चे के इजीली आ जाएगा। तो फ्रेंड इसे हम 4 साल से 5 साल के बच्चे के लिए हमने इसमें 50 फंदे डाले हैं, और सिंपल फंदे मैंने इसमें डाले हैं 50 फंदे। आप इसे 50 फंदे डाल लें, ये देखो। अब हम यहाँ से पहली रो स्टार्ट कर रहे हैं और बनाना स्टार्ट हो चुका है। पहली रो को हमने इसी तरह बनाएंगे। तो देखो फ्रेंड, ये हमारी पहली रो रहेगी। मैंने इसमें डबल फोल्ड वूल को लिया है, आप इसे सिंगल भी ले सकते हैं। मैंने इसे डबल इसलिए किया है, थोड़ा मोटा बनेगा और अच्छा बन के आएगा। ये देखो, ये देखो, इस तरह से उल्टी उल्टी रो हमने बनानी है। ये देखो, देखो फ्रेंड हमने पूरी रो को उल्टा उल्टा बना लिया है। एक रो हमारी बनके कंप्लीट हो गई है। अब हम इसकी सीधी साइड से आ गए हैं। सीधी साइड भी फ्रेंड हमारी ये उल्टी उल्टी रहेगी, ये देखो। फ्रेंड बहुत कमेंट आए थे कि मैम आप हमें 4 साल से 5 साल के बच्चे के लिए बेबी बूटीज बनाएं, तो मैंने ये 4 साल से 5 साल के बच्चे के लिए बनाया है। आप इसी तरह बना लें, 50 फंदे 4 साल से 5 साल के बच्चे के लिए डालें और इजीली उसके लिए आसान और बहुत जल्दी बनके तैयार हो जाएगा। ये देखो, ये देखो, दूसरी रो भी हमने उल्टी उल्टी बना ली है, ये देखो। दोनों साइड से हमारी उल्टी उल्टी रो रहेंगी। अब हम इसकी उल्टी सिलाई पे आ चुके हैं। हमने दोनों साइड से इसको उल्टा उल्टा बनाएंगे और हम आगे तक ऊपर तक बना लाती हूँ इसकी, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो देखो फ्रेंड, हमने ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने इसमें 14 सलाई बनाई है। एक साइड से, दोनों साइड से हमारी 28 सलाई हो चुकी है। ये देखो, दोनों साइड से ये 28 सलाई है, 28 सलाई हमारी दोनों साइड के हैं। एक साइड की हमारी 40 सलाई है, 14 सलाई बनाई है यहाँ से लेके यहाँ तक। अब हम आगे के फंदे बाइंड ऑफ करेंगे। तो देखो फ्रेंड, हमने ये यहाँ से यहाँ तक मैंने इसमें 14 सलाई बनाई है। तो देखो फ्रेंड, हमने यहाँ से यहाँ तक इसमें 14 सलाई बना ली है। अब हम इसको यहाँ से आगे की 14 फंदे बंद करेंगे। तो देखो, दो फंदे एक साथ लेंगे, दोनों को एक साथ बनाएंगे तो एक फंदा हमारा घट जाएगा, वापिस सिलाई में डालेंगे, एक
दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। चौदह फंदे हमने बंद कर लिए हैं। ये देखो, ये आगे के फंदे हमने बंद कर लिए। आगे के फंदे हम इसी तरह बनाएंगे। ये देखो, उल्टे उल्टी इसी तरह हम बनाएंगे। ये देखो, बना ली। अब हम इधर से भी इसको सीधी साइड से भी इसी तरह उल्टी उल्टी बनाएंगे। इसी तरह 14 सलाई हम उल्टी उल्टी ऊपर तक इसी तरह बनाएंगे बाकी के फंदों की। ये देखो, अब यहीं से हम घुमा लेंगे। तो इसी तरह मैं आगे की ये 14 सिलाई बना लेती हूँ। जिस तरह से मैंने ये यहाँ से यहाँ तक 14 बनाई है, ऊपर तक 14 बना लेती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। तो मैं बना लाती हूँ। तो देखो फ्रेंड, मैंने यहाँ से यहाँ तक 14 सिलाई बनाई है। जिस तरह से यहाँ तक 14 बनाई थी, इसी तरह मैंने यहाँ से यहाँ तक 14 सिलाई बना के इसको यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है। अब हम यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे। ये देखो, अब मैं यहाँ से फंदे बढ़ा रही हूँ। तो देखो फ्रेंड, हम यहाँ से फंदे बढ़ाएंगे इस तरह से। एक, दो, 14 फंदे बढ़ाएंगे। जिस तरह से हमने यहाँ से 14 फंदे बंद किए थे, इस तरह से 14 फंदे मैं यहाँ से बढ़ाऊंगी। तो दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। जिस तरह से यहाँ से हमने
ये बड़े हुए हैं, इसी तरह हमने यहाँ से बढ़ा लिए हैं। ये देखो अब हम यहीं से इसको बनाना स्टार्ट करेंगे, 14 फंदे बढ़ाते हुए। ये देखो, तो देखो फ्रेंड हम यहाँ से बनाना स्टार्ट करेंगे। ये देखो इस तरह से, ये देखो ये देखो इस तरह से। और हम इसको पलट लेंगे, पलटने के बाद हम पूरी रो इसी तरह उल्टी उल्टी बनाएंगे। ये देखो इस तरह से, उल्टी उल्टी दोनों साइड से हम यही ऊपर तक 14 सलाई बनाएंगे। जिस तरह से हमने नीचे बनाई है सेम उसी तरह हमारी ऊपर तक रहेंगी। ये देखो इसको हम फिर से पलट लेंगे। ये देखो, तो इसी तरह मैं बना लेती हूँ जिस तरह से मैंने ये यहाँ से यहाँ तक 14 बनाई है, ऊपर तक भी 14 बना लाती हूँ, फिर आपको आगे दिखाऊंगी। ये देखो, तो हम ये 14 सिलाई बना लेते हैं ऊपर तक, फिर मैं आगे बताऊंगी किस तरह से आगे बनाएंगे। तो देखो फ्रेंड हमने 14 सलाई यहाँ से यहाँ तक बना लिया और फंदे हमने बंद कर दिए, दोनों हमने बना के कंप्लीट कर लिया है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। तो हमने ये हमारी सीधी साइड है और ये हमारी उल्टी साइड रहेगी, तो ये बन के पूरा इस तरह से कंप्लीट कर लिया। अब हम इसकी सिलाई करेंगे, तो इस तरह से हमने फोल्ड करना है। ये देखो फोल्ड कर लिया। ये देखो अब हमने निडिल में
वूल को डाल लिया है। अब हम यहाँ से हमने इसको एकदम बराबर पकड़ना है, दोनों साइड से इस तरह से बराबर पकड़ते हुए निडिल को हमने यहाँ से निकालना है, इसके बीचों बीच इस तरह से। बराबर पकड़ते हुए हमने निडिल को इस तरह से निकाल लेना है। फिर से हमने, तो देखो हमने वापस फिर से इसी तरह निकाल ली है बीच में से, ये दोनों साइड से बराबर बराबर पकड़ते हुए। जी देखो, अब इसको इस तरह से, ये देखो इसकी शेप हमें इस तरह से, यहां से इस तरह से शेप आएगी कुछ वी शेप में, और यहीं पे हमें एक नॉट्स लगा देनी है इसकी शेप बनाते हुए। हल्का सा इसको हमने खींचना है, और जब इसकी शेप वी शेप में आएगी तो यहीं पे हमने इसको नॉट्स लगा देना है। ये देखो इसकी वी शेप आ गई, ये देखो एकदम। अब हमने नॉट्स लगा दिए, यहीं से वूल को कट कर लेंगे। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ये हमारे अंदर की साइड रहेगी, जो सीधी साइड रहेगी इसे अंदर की साइड रखेंगे, और ये हम बाहर की साइड, इसको हम इस तरह से पकड़ते हुए इसकी सिलाई करेंगे वूल में, यहाँ नॉट्स लगाएंगे। तो हमने यहां से पकड़ते हुए एक एक चैन में डालते हुए इसकी सिलाई करेंगे। तो मैं इसकी सिलाई यहां से यहां तक करूंगी, फिर यहां से यहां तक करूंगी। ये देखो, तो यहां से यहां तक मैं इसकी सिलाई कर लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड, हमने यहाँ यहाँ से यहाँ तक इसकी सिलाई कर ली है चारों साइड से। ये देखो, अब हम यहाँ पे नॉट्स लगा देंगे। ये देखो नॉट्स लगा दी है। तो देखो फ्रेंड, अब हम इसको सीधा करेंगे, एकदम परफेक्ट बना है और बहुत मोटा बना है, जिससे अच्छे से देखो एकदम बढ़िया बनके आया है ये। तो देखो ये सूज बनके तैयार हो गया है फ्रेंड, ये देखो। तो फ्रेंड आपको ये सूज कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो मिलते हैं फ्रेंड अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।